मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ढेरों किस्से चले हैं। कुछ बातें मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के हिस्से में भी हैं। डॉक्टर राकेश कपूर बताते हैं कि मुलायम उन्हें दत्तक पुत्र मानते थे। ललन टॉप ने डॉक्टर कपूर से बात की। मुलायम सिंह जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज उन्होंने उनको खो दिया, और हमारा उनसे संबंध तो बहुत पुराना था, दसियों साल पुराना, बट 2014 में उनकी पेशाब रुकी। इसके पहले प्रोस्टेट का ऑपरेशन उनका हो चुका था जब वो आर्मी में, जब मिनिस्टर थे वो दिल्ली में, तो उनकी जो पेशाब का रास्ता था, मुंह था ब्लैडर का, वो सिकुड़ गया था। तो उस समय फिर हमने उनका पीजीआई में, उस समय कार्यरत था, तो ऑपरेट करके वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे और फॉलोअप में दिखाते रहते थे। बीच बीच में उनको पेशाब की प्रॉब्लम रहती थी तो उसको हम देखते रहते थे और उसका इलाज करते रहते थे। इसके अलावा जब 2014 के समय उनको कोई और विशेष परेशानी नहीं रही। देखिए, सब लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह जी बिल्कुल धरती से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और हमारा जब मैं पीजीआई में यूरोलॉजी विभाग का अध्यक्ष भी था, हेड भी था, और शुरू में वहां मैं प्रोफेसर भी था, और वो रिश्तों को निभाना बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि वो मुझे पुत्र की तरह ही मानते थे। और उनके समय में ही मैं डायरेक्टर पीजीआई भी बना था, और जो पीजीआई के डायरेक्टर रहते हुए भी उनका बहुत ही सहयोग पीजीआई को आगे बढ़ाने में रहता था। बेसिकली जो उनकी सबसे बड़ी बात रहती थी कि वीआईपी होते हुए हम अवॉइड करते थे कि वो पीजीआई आए, क्योंकि पीजीआई आने से एक तो भीड़ भाड़ बहुत हो जाती थी, मिलने वालों का बहुत भीड़ रहती थी, उनकी सिक्योरिटी रहती थी, फिर तो ज्यादातर वो मुझे घर पे ही बुलाते थे, और जब वो घर बुलाते थे तो अपने साथ कुल्फी भी वो खिलाते थे, नाश्ता भी कराते थे, उनके लड्डू बहुत फेमस थे बेसन के, वो हमेशा मुझको खिलाते थे और बहुत ही ध्यान रखते थे। तो ये मैं कहूंगा कि बीच में उनको एक बार H1N1 इन्फेक्शन भी हुआ था, उस दौरान भी हमारे पास वो भर्ती हुए थे। फिर एक रात जब वो छुट्टी हुई थी और वो अस्पताल भर्ती होने को नहीं राजी थे, तो मैंने एक रात उनके साथ घर पे भी गुजारी थी उनकी देखभाल करने के लिए। लेकिन वो बहुत ही ध्यान रखते थे, और हमेशा उनका सिद्धांत ये होता था कि अगर वो घर बुलाने आते थे तो पहली चीज वो फौरन मिलते थे, और दूसरा जब मैं उनको देख के निकलता था तो जब तक वो स्वस्थ रहते थे या तो स्वयं गाड़ी तक छोड़ने आते थे, या वो किसी ना किसी घर वाले को भेजते थे कि डॉक्टर साहब को गाड़ी तक छोड़ गया। एक किस्सा और है बड़ा दिलचस्प, मुलायम के मुट्ठी भर बादाम वाला। किस्सा ये था कि हमारी वो कहना बहुत मानते थे, मैं जो उनको सजेस्ट करता था कि सर ये, जैसे वो बादाम खाने के बहुत शौकीन थे, तो जब वो ऑपरेट करने के लिए मैं उनको घर से लेके पीजीआई आया तो उस दिन उन्होंने 40 बादाम खा रखे थे, तो मैंने उनसे कहा भी कि सर इतने बादाम नहीं खाने चाहिए, तो वो मुझसे हंस के बोले कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री वाले बादाम है और मैं तुम्हारे लिए भी भेजूंगा। मैंने कहा नहीं सर, कोई ये बादाम कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं होता है और इतने बादाम खाना आपके लिए हितकारी नहीं है। तो वो मेरा उस पर कहना मान के हमेशा मानते थे। थोड़ा वो डायबिटिक भी थे, मीठे के बहुत शौकीन थे, तो कई बार मैं उनको गाइड करता था कि सर मीठे से बचा करिए, लेकिन वो जब भी मुझे बुलाते थे तो साथ में खुद भी मीठा खाते थे और मुझे भी बहुत मीठा खिलाते थे।